एक्सटेंट 14 का मॉडल है ये, 14 का एक्सटेंट, ये 29 पड़ेगा। ग्लैमर है 2009 का मॉडल, 9 का, हाँ अच्छा, ये 29 पड़ेगा, 29 को मिलेगा। और सभी माइलेज वाली बाइक है, आपका ये रिक्वेस्ट रहता है माइलेज वाला बाइक दिखाओ, तो आज सिर्फ आपको माइलेज वाला बाइक से दिखाने वाले। ये 2018 का मॉडल है, ये 18 की ग्लैमर है, अच्छा। और क्या प्राइस है इसका? न्यू वाला 2021 का मॉडल है ये, 21 का, अच्छा। फर्स्ट ओनर है ये? फर्स्ट ओनर यही का है, ये 23 का, 2023 अक्टूबर महीने का है, 2800 किलोमीटर चला है, सिर्फ 2800 किलोमीटर। तो इससे पहले हम लोगों ने SBT ऑटोमोबाइल की जो यामा शोरूम है नया, आपके रिक्वेस्ट से वो वीडियो बना ली थी, वो अभी यूट्यूब में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। और हमने आपको बताया था कि SBT ऑटोमोबाइल की जो एक्सचेंज में बाइक आती है वो सेकेंड हैंड बाइक्स की कलेक्शन का है, तो आज हम लोग आए BT ऑटोमोबाइल्स पे, जहाँ पे आपको ढेर सारी सेकेंड हैंड बाइक की स्टॉक देखने को मिलेगा और सभी माइलेज वाली बाइक है। आपका ये रिक्वेस्ट रहता है माइलेज वाला बाइक दिखाओ, तो आज सिर्फ आपको माइलेज वाला बाइक से दिखाने वाले। तो हमारे साथ है मुन्ना भैया, जो हमें हर एक बाइक हो स्कूटी हो सारे डिटेल्स शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले BT ऑटोमोबाइल जो है सेकंड हैंड, ये बाइक्स का आउटलेट, ये एड्रेस का है, लोकेशन का है? थाना रोड में ट्रिनिटी स्कूल का अपोजिट में है, ट्रिनिटी हाई स्कूल की अपोजिट में थाना रोड में ये BT ऑटोमोबाइल्स पड़ेगा। और शुरू करते हैं पहले एक्टिवा से, तो क्या डिटेल्स है एक्टिवा का, कौन सा मॉडल? एक्टिवा 2013 का मॉडल है, 13 का मॉडल है ये, 32 रेंज का पड़ेगा ये, प्राइस आएगा 32,000। फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर है ये? सेकंड ओनर, अच्छा ये सेकंड ओनर है, 13 का मॉडल 32,000 प्राइस आएगा इसका, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीम भैया, 14 का मॉडल है ये, 14 का एक्सट्रीम, ये 29 पड़ेगा, 29,000 14 के एक्सट्रीम। फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर है ये? फर्स्ट ओनर है, अच्छा वो फर्स्ट ओनर है, डिस्क ब्रेक वगैरह सब कुछ है। उसके बाद ग्लैमर, ये ग्लैमर आप 2016 का मॉडल है, इसका आपको 50,000 पड़ेगा, 16 का मॉडल 50,000। कितना चला हुआ है इसका? ये मोटा मोटी 25,000 चला हुआ, 25,000 के करीब ये किलोमीटर चला है, 16 की मॉडल, फर्स्ट ओनर है ये भी? हाँ फर्स्ट, अच्छा ये भी फर्स्ट ओनर है। उसके बाद एक और ग्लैमर है 2009 का मॉडल, 9 का, हाँ अच्छा, ये 29 पड़ेगा, 29,000 ये भी, अच्छा। और ये फर्स्ट ओनर है सेकंड ओनर है? 9 में, ये भी फर्स्ट ओनर है, ये भी फर्स्ट ओनर है। और रीफाइनेंस आपके यहाँ पे अवेलेबल है सेकंड हैंड बाइक? रीफाइनेंस होगा इस महीना का बाद में, अच्छा इस महीने के बाद रिफाइनेंस, 2018 का मॉडल का ऊपर हो उसी का रिफाइनेंस, अच्छा सिर्फ 18 की ऊपर की मॉडल में ही रिफाइनेंस होगा, नीचे की मॉडल में रिफाइनेंस नहीं होगा, बार बार बोल रहे हैं आगे। अभी आप लोग पूछेंगे कि भाई ये 14 ये 16 की ग्लैमर, 16 की ग्लैमर में रिफाइनेंस होगा कि नहीं, तो भाई 16 की ग्लैमर में रिफाइनेंस नहीं होगा, सिर्फ 18 की ऊपर वाली मॉडल में ही रिफाइनेंस होगा। और एक चीज, अगर आप महिंद्रा की इलेक्ट्रिक टोटो इलेक्ट्रिक ई रिक्शा लेना चाहते हैं तो भैया के पास वो भी अवेलेबल है, यहाँ पे फ्लेक्स दिखाओ, BT ऑटोमोबाइल नया ई रिक्शा मिलता है महिंद्रा की जी आपके यहाँ पे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता होगा अगर कोई नया? वहाँ पर डिटेल दिया हुआ, आधार कार्ड वोटर कार्ड वगैरह लगेगा, अच्छा मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर भी आ रहा होगा, और ये मैं फाइनेंस भी करा दूंगा, वो फाइनेंस भी हो जाएगा, पेपर अप टू डेट होगा इसका, अच्छा टैक्स वगैरह इंश्योरेंस वगैरह सब करा के दूंगा, सब हो जाएगा। और नया एक ई रिक्शा का क्या प्राइस पर होगा? इसका दो वर्सन है, अच्छा एक तो 135 किलोमीटर का एवरेज वाला है, एक तो 150 किलोमीटर का एवरेज वाला है, मोटा मोटी 135 वाला एवरेज वाला जो है उसका 3,85,000 रुपए दाम है, अच्छा। और जो 150 एवरेज वाला है उसका 4,15,000 रुपए दाम है, और उसमें भी तो फाइनेंस हो जाएगा? हाँ फाइनेंस अवेलेबल है, अच्छा ठीक है। फिर ग्लैमर में आते हैं, एक और ग्लैमर क्या डिटेल्स है इसका? ये 2018 का मॉडल है, ये 18 की ग्लैमर है, अच्छा। और क्या प्राइस है इसका? इसका 55 दाम, 55,000 फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर, ये फर्स्ट ओनर है। अगले महीने से इस ग्लैमर में आपको रिफाइनेंस मिल जाएगा, इसमें हो जाएगा, 18 की ग्लैमर है इसमें मिल जाएगा 55,000 अस्किंग प्राइस, और ये प्राइस भैया थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा, हाँ वो कर दूंगा, ऑन टेबल थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा। उसके बाद पल्सर 150, ये 2013 का पल्सर है, 13 का मॉडल, ठीक है, ये 32 पड़ेगा, 32,000 13 की पल्सर 150 फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर? ये भी फर्स्ट ओनर, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है। आप लोगों की काफी, इसको जाने दो, आप लोगों की काफी इंक्वायरी ये आती है भाई माइलेज वाला बाइक दिखाओ, तो सिर्फ आपको आज माइलेज वाली बाइक ही दिखाने वाले हैं। उसके बाद HF डिलक्स, सीडी डिलक्स है ये 2012 का मॉडल है, 12 का सीडी डिलक्स, हाँ
ये 33 पड़ेगा, फर्स्ट ओनर। ये भी फर्स्ट ओनर बाइक है। हाँ, फर्स्ट ओनर बाइक। कितना चला होगा इसका? ये मोटा मोटी आपका चला हुआ है टोटल 24,000। 24,000 ठीक है। उसके बाद होंडा की क्या सीवी टिगर, टिगर सीवी टिगर है, ये क्या डिटेल्स है इसका? ये भी 2014 का मॉडल है। ये 14 का 35 पड़ेगा, 35,000 की सीवी टिगर, फर्स्ट ओनर है ये भी। अभी फर्स्ट ओनर। अच्छा, ये भी फर्स्ट ओनर है। और उसके बाद ये 125 अच्छा, न्यू वाला 2021 का मॉडल है ये, 21 का। अच्छा, फर्स्ट ओनर है ये, फर्स्ट ओनर यही का है। कितना चला होगा इसका? ये आपका चला है 32 किलोमीटर, 32,000 किलोमीटर। अच्छा चला है ये, 21 का मॉडल बोला ना आपने। और प्राइस क्या रखा है आपने इसमें? इसका मैं प्राइस रखा हूँ फाइनल 59,000 फाइनल प्राइस है 21 का SP125। और उसके बाद एक और ग्लैमर, ये हो गया 23 का, 2023 अक्टूबर महीने का है, 23 की अक्टूबर की, लगभग 24 का मॉडल। 2,800 किलोमीटर चला है, सिर्फ 2,800 किलोमीटर। अरे फर्स्ट ओनर तो है ही, मतलब फर्स्ट ओनर ही है इसका अक्टूबर की। और क्या प्राइस है इसका? इसका पड़ेगा 88,000 में आपको 2023 की अक्टूबर की फर्स्ट ओनर 2,800 किलोमीटर चला हुआ ग्लैमर आपको मिल जाएगा यहाँ पे बीटी ऑटोमोबाइल्स पे। अगर आपको इस शोरूम पे किसी भी बाइक के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो नीचे मुन्ना भैया का नंबर आ रहा होगा, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे एड्रेस फोन नंबर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और भैया हर वक्त अवेलेबल है आपके लिए। ये हेलमेट हटा दीजिए आप। उसके बाद स्कूटी की सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे डेस्टिनी 125, क्या डिटेल्स है भैया इसका? ये 19 का मॉडल है, 19 का। अच्छा, और फर्स्ट ओनर है ये? ये भी फर्स्ट ओनर है। कितना चला हुआ इसका? ये चला है आपको 15,000। 15,000 19 का मॉडल, क्या प्राइस है? 45,000 में 19 का मॉडल डेस्टिनी 125 मिल जाएगा आपको, सही कंडीशन में लगभग है यहाँ पे। और आज की जो आखिरी प्रोडक्ट होने वाला है, आखिरी स्कूटी जो है यहाँ पे एक्टिवा, क्या डिटेल्स है? 2018 मॉडल है ये, 125 है ना? हाँ, 125। अच्छा, 18 मॉडल, 18 मॉडल, फर्स्ट ओनर। कितना चला होगा इसका? ये 18,000 चला, ये 18,000 चला हुआ है, फर्स्ट ओनर एक्टिवा 125। कितना प्राइस है इसका? 52,000 अस्किंग प्राइस है। और ये प्राइस थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा ऑन टेबल। और क्या सेकंड हैंड, जैसा आपने नया शोरूम में ऑफर दिया है लोगों को, क्या सेकंड हैंड कलेक्शन में भी कुछ ऑफर है अवेलेबल यहाँ पे? सेकंड हैंड में मैं अभी नया से एक अपना मर्जी से एक हेलमेट दे दूंगा। अच्छा, भैया की मर्जी से आपको एक हेलमेट मिल जाएगा। अगर आप इन सेकेंड हैंड कलेक्शन में से कोई भी बाइक लेते हो तो एक हेलमेट आपको मिल जाएगा फ्री में। तो बीटी ऑटोमोबाइल्स की जो सेकेंड हैंड स्टॉक थी हमने आपको दिखा दिया यहाँ पे। आप लोगों की काफी ये इंक्वायरी आती है कि माइलेज वाली बाइक दिखाओ, तो माइलेज वाली बाइक हमने आपको दिखा दिया। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, बाइक से आपको कैसा लगा, प्राइसिंग कैसा लगा। और बाकी इस शोरूम की किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी हो तो भैया का नंबर आ रहा होगा, भैया हर वक्त अवेलेबल है ही आपके लिए। और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।